हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिया रीत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ बना रही हूँ गाजर और गोभी का अचार आप सबके लिए। तो ये मैंने गाजर बॉयल्ड वाटर में थोड़ी देर डाल के अब मैंने उसको निकाल दिया है, साइड पे रख दिया है। ऐसे ही मैंने गोभी भी निकाल के रख लिया है साइड पर। तो ये मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये मैं निकाल रही हूँ उसमें से। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल दिया, देखिए स्टीम निकल रही है इसमें से। बॉयल्ड वाटर है पूरा, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने और उसमें 2-3 मिनट रख के इसको मैंने निकाल लिया है बाहर। तो ये देखिए, ये सारा मैंने निकाल दिया है। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि पहले मुझे अचार डालना नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा अचार डालती थी पर ख़राब हो जाता था। तो लेकिन छोड़ा नहीं अचार डालना, फिर मैंने थोड़े टिप्स और ट्रिक्स उसके यूज़ करे खुद ही, तो फिर मेरा अचार अब टच वुड अच्छा बनता है। ये देखिए, गाजर मैंने बॉयल करके निकाल ली है, तो वो भी मैं आगे बताऊंगी कि कैसे अच्छा बनता है अचार। देखिए, तो चलिए ऊपर धूप में चलते हैं, इनको धूप में डाल देते हैं, रख देते हैं एक दिन में सूखने के लिए। तो ये मैंने धूप में रख दिया है इनको। ये देखिए मेरे गाजर है, 1 किलो गाजर है, और गाजर को मैंने स्टीम करके ये धूप में रख दिया। पूरे दिन की धूप दूंगी इनको कि ये पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए। साथ में 1.5 किलो के आसपास गोभी है जो मैंने वैसे ही गर्म पानी से निकाल के इसको रख दिया सूखने के लिए। पूरे दिन की एक खुली धूप चाहिए होती है अगर आपको अच्छा अचार चाहिए तो। अगर आप कहो कि आप फ़ैन के नीचे सुखा के डाल लो तो वो भी ठीक रहता है, लेकिन धूप से ही जो इसका मॉइस्चर वगैरह सब निकल जाता है तो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो उसके बाद आपका अचार अच्छा भी बनता है और थोड़ा देर तक भी रहता है। धोके तो ये मैं ले आई हूँ सूखा हुआ, जो मेरा गाजर गोभी का था वो सूख गए हैं। देखिए बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है इसमें, बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा। तो अब मैं इनको मसाले डाल के तो अब रेडी करती हूँ इनको, क्योंकि ये अब अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं नज़र आ रहा कहीं पे भी। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, नीचे से भी बिल्कुल जो प्लेट है वो ड्राई है, बिल्कुल पानी नहीं है। धूप में अच्छे से सूख जाता है, एक पूरी धूप दो आप तो आपका अचार बनेगा भी अच्छा और रहेगा भी ज़्यादा देर तक, टिका भी रहेगा अच्छे से। तो साथ में मैंने मसाले भी रेडी कर लिए हैं साथ में। ये मैंने मिक्सी के जार में यहाँ पे राई को पीस लिया, दरदरा। मुझे दरदरा ही अच्छा लगता है तो मैं दरदरा ही पीसती हूँ, थोड़ा थोड़ा मुँह में आती है राई तो अच्छी लगती है मुझे। तो अगर आपको पूरी फुल पाउडर अच्छी लगती है तो आप फुल पाउडर भी कर सकते हैं। तो साइड पे मैंने मसाले ले लिए, ये चिली फ्लेक्स है, दरदरी कुटी, लाल मिर्च, अच्छी लगती है देखने में भी और टेस्ट भी अच्छा आता है, लाल मिर्च, हल्दी और ये रहा नमक। ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। ये जो कुटी लाल मिर्च है ना इसका, तो ये और राई, इसका जो फ्लेवर आता है ना बहुत अच्छा आता है। कुटी लाल मिर्च तो ऊपर दिखती है ना जब अचार पे, तो बहुत अच्छी लगती है गोभी पे, वाइट गोभी पे, रेड रेड छोटी छोटी चिली फ्लेक्स और गाजर पे। ये देखिए अभी से इतनी अच्छी लग रही है कि मतलब मुंह में पानी आ रहा है, बहुत यम्मी सा टेस्ट फ्लेवर आ रहा है देखने में भी और लग रहा है कि अच्छा है, बनेगा भी टच वुड। तो एक मैं आपको एक और ट्रिक अभी यहाँ बताती हूँ जो मैं आप पहले बोल रही थी। कुछ लोगों का अचार हाथ से अच्छा नहीं बनता है, तो ये जार है, इसमें मैं जार में अचार डालूंगी। और ये अचार आप देख सकते हो कि मैं अचार ना करछी से डाल रही हूँ, मैंने अचार को हाथ नहीं लगाया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हाथ से अचार अच्छा नहीं बनता, तो उन लोगों के लिए मेरे पास ये सजेशन है कि आप ना करछी से अचार डाला करो, अचार को टच नहीं करना। जब आपने अचार बनाना है ना, मसाला डालना है या तेल डालना है या कुछ भी उसमें मिक्स करना है, आपने उसको टच नहीं करना। बिना टच किए उसके मसालों को आपने मिक्स करना है और बिना टच किए ही आपने उसको जार में फिल करना है। तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, ये मेरे हाथ से अचार अच्छा नहीं बनता, लेकिन ऐसे अगर मैं बिना टच किए करछी से बनाऊँ तो टच वुड अच्छा बनता है। तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया, तो आप भी ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं, तो आपका अचार अच्छा भी बनेगा और ज़्यादा देर तक भी टिका रहेगा। तो अब मैंने ये सारा इसमें मिक्स कर रही हूँ, देखो अब मैं करछी से ही मिक्स कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी हाथ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा करछी से अच्छा बनता है तो मैं इसको यूज़ करके बनाऊँगी। तो आप भी ऐसे ही यूज़ करके बना सकते हो, जो जिन लोगों का ये रहता है कि हमारे हाथ से अच्छा नहीं बनता तो दूसरे लोगों से डलवाने जाते हैं या किसी से कहते हैं कि प्लीज़ हमारा अचार डाल दो, तो आप ये वाली ट्रिक ट्राई कर सकते हो करछी वाली, कि बिना टच किए आप उसको मसाले को मिक्स करो और फिर उसको जार में फिल कर दो। तो ये मेरी अचार सारा मिक्स हो गया है, मसाला सारा रेडी हो गया है मसाला। तो जार जो मैंने रखा है अब मैं इसमें फिल करूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने सारा गाजर को भी मिक्स कर लिया अचार को।
इसमें मैंने डाली है राई, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च, हल्दी और सरसों का तेल। बस ये इतनी सी चीज़ें डाली हैं। मैं तो इतनी चीज़ें डाल के ही बनाती हूँ, अगर आप उसमें कुछ और भी ऐड करते हो तो आप ऐड कर सकते हो अपने चॉइस से। सबका अपना अपना तरीका होता है और सबके अपने अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मेरे तो इतने से ही हैं, हमें तो इतने में ही अच्छे लगते हैं, तो हम बस इतने ही डालते हैं और सरसों का तेल डाल के बस इसको रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने इसमें सारा कुछ रेडी कर दिया है, ये सारी चीज़ें ये डाल के इसमें अब हम मिक्स करके इसको हम डाल देंगे जार में। तो ये मैंने ना ऊपर से थोड़ा सा तेल डाला है, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा तेल मैंने ऊपर से डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तेल कम लग रहा था इसलिए मैंने ऊपर से डाला है। तो अगर आपको भी लगे कि अचार डालने के बाद ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तो आप ऊपर से इसको तेल में तेल डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा गाजर गोभी का अचार रेडी हो गया। ये दो जार बने हैं, ये कुछ 2.5 किलो का अचार है, तो मेरी सर्दियाँ निकल जाएंगी। तो इसके साथ ही मैंने और भी अचार डाले हुए हैं। ये मेरा गलगल का अचार है जो मैंने पहले डाला था, तो अभी अच्छा बना है। ये मैंने गर्मियों में डाला था आम का अचार, जो मेरे 5 किलो डाला था तो 1 किलो भी बचा हुआ है। तो ये मेरी एक अचार की वैरायटी है, जो अब मैं अचार डालती हूँ तो मेरे अचार अच्छे बनते हैं, टच वुड। तो आप भी ऐसे ही अचार बनाइए बिना टच किए करछी से। तो अगर आपको ये वीडियो लाइक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।